बैलेंस ऑफ ट्रेड यह एक टर्मनोलॉजी है जो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत कॉमनली यूज होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में ट्रेड एक इंपॉर्टेंट शब्द है एंड ट्रेड मीन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस यानी कि ट्रेड होना यानी कि परचेज होना या सेल होना गुड्स जिसको हम कई बार विजिबल आइटम्स भी बोलते हैं या सर्विसेस जिसको हम इनविजिबल आइटम्स भी बोलते हैं यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में परचेज एंड सेल ऑफ विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स दोनों की बात हम कर रहे हैं अब ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की जो टर्मिनोलॉजी है ये नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होती है तो यानी कि जब हम परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से देश के बाहर से हम उसको इंपोर्ट बोलते हैं एंड जब हम अपने देश से बेचते हैं गुड्स एंड सर्विसेज उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं बट ऑबियस है अगर एक्सपोर्ट किसी देश का उस देश के इंपोर्ट से ज्यादा है तो हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट पॉजिटिव फिगर है तो हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है और अगर एक्सपोर्ट्स की फिगर इंपोर्ट्स की फिगर से कम रह जाए यानी कि एक्सपोर्ट किसी देश का उस देश के इंपोर्ट से कम रह जाए तो हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, है. यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होती है और वो हमें बताती है कि इस देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा है इस देश के इंपोर्ट से और अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है तो यानी कि एक्सपोर्ट्स कम है उस देश के इंपोर्ट से